हेलो गाइस, वेलकम टू दिजिबडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे थॉर 4 और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से रिलेटेड अपडेट के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहला अपडेट है, क्रिस हेम्सवर्थ ने घर पर थॉर 4 की स्क्रिप्ट को पढ़ा और उन्होंने बताया कि उनकी लाइफ में ये सबसे बेस्ट स्क्रिप्ट है और वो इस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और देन उसी के साथ एक अपडेट आया थॉर 4 की रिलीजिंग डेट को लेकर। पहले ये मूवी रिलीज होने वाली थी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के जो शेड्यूल था नवंबर 5, 2021 को, पर अब इसको कोरोना वायरस के चलते चेंज कर दिया। अब ये मूवी रिलीज होगी फरवरी 18, 2022 को। देन उसी के साथ दूसरा जो नाम आया है वो है डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का जो शेड्यूल था डॉक्टर स्ट्रेंज, उसमें अब रिलीज नहीं हो रही है। अब इसकी भी डेट को चेंज कर दिया गया है। अब ये मूवी रिलीज होगी मार्च 25, 2022 को, जो कि फैंस के लिए एक बैड न्यूज़ है। बट क्या करें भाई, कोरोना वायरस चल रहा है और ऐसे में मूवीज़ को शूट करना पॉसिबल नहीं है। एवेंजर्स एंड गेम ने टोटल 900 मिलियन का प्रॉफिट कमाया है और बाकी का जो प्रॉफिट था, मतलब वो एक्टर्स को कास्ट पे करने में और मूवी के खर्च करने में गया है। वंडर वुमन 84 फाइनली से PG रेटिंग्स मिली है, यानी कि इस मूवी को बच्चे भी देख सकेंगे क्योंकि मूवी में कोई ऐसा सीन नहीं होने वाला है उल्टे सीधे। और इसी के साथ इस मूवी के कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट भी लॉन्च हुए हैं जो कि 84 के स्टाइल में लॉन्च करे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देन कॉमिक बुक लाइक टाइप का है और जैसे उस जमाने में पोस्टर बनते थे, जैसे आपने स्टार वॉर्स एपिसोड 1 का भी देखा होगा, वो भी इसी टाइप का ही पोस्टर है जैसे कि वंडर वुमन का, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसी के साथ डायरेक्टर जो कि मूवी को करने वाली थी सिल्वर एंड ब्लैक को, उन्होंने बताया कि डिज्नी प्लस सीरीज पे अब इसके ऊपर एक टीवी सीरीज आ सकती है, अब वो ये मूवी नहीं बनेगी। देन उसी के साथ लीगो जो कि यूनिवर्सल के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करा है, वो अब इसके ऊपर 5 साल तक काम करेगी, कुछ ना कुछ मूवी के प्रोजेक्ट बनाएगी। रियान ने स्काई डांस कंपनी के साथ एक मूवी डील करी है जो कि एक टाइम ट्रेवलिंग मूवी होगी। तो गाइस, मैं तो एक्साइटेड हूँ कि इस मूवी का नाम क्या होगा और कैसी मूवी होगी। मिशन इम्पॉसिबल फाइनली डिले हो चुकी है, नवंबर 19, 2021 को 7वां पार्ट रिलीज होगा और नवंबर 4, 2022 को 8वां पार्ट रिलीज होगा। स्कैरी स्टोरी 2 भी कंफर्म हो चुकी है, ये एक हॉरर मूवी है। और देन अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो गाइस जाके देखो, मूवी अच्छी है। उसी के साथ रॉबर्ट पैटिंसन का एक बिहाइंड द सीन इमेज आया है बैटमैन की, कोरोना वायरस के चक्कर में वो घर बैठे हुए तो अपनी फिजिक्स को फिट करने के लिए वो रनिंग करते नजर आए हैं, तो ये बहुत मुश्किल से मिलती है गाइस इमेज। और देन उसी के साथ गार्डन द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 की एक बिहाइंड द सीन इमेजेस, जिसमें कि हमें पुरानी वाली गार्डन द गैलेक्सी की टीम देखने को मिली, तो ये भी सरप्राइज़ है। और आने वाले फ्यूचर तीसरे पार्ट में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उसी के साथ वॉकिन फीनिक्स ने अभी हाल ही में एक नई इमेज रिवील्ड करी है जिसमें कि वो एक अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो, पेज को लाइक करें। रियली में आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखे हो, या तो उस पर थोर के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।